क्या आपने भी बांग्लादेश सर्वर में प्री रजिस्ट्रेशन कर दिया है? अगर कर दिया है तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। इसको लेके आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि भाई ऐसा करने से क्या हमारी आईडी बांग्लादेश सर्वर में चली जाएगी, क्या ऐसा करने से हम इंडियन प्लेयर के साथ नहीं खेल पाएंगे। और इसको लेके आपने यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी वीडियो देख ली होगी जिनमें गाइज आपके क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं मिलेगा। बट गाइज ये वीडियो आपकी लास्ट होगी क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन के आंसर, सारे डाउट एकदम प्रूफ के साथ क्लियर कर दूंगा। तो गाइज आप जैसे ही इवेंट के अंदर जाते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, बांग्लादेश सर्वर, एक्सक्लूसिव सर्वर फॉर बांग्लादेश। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश प्लेयर के लिए अलग से उनका सर्वर बनाया जा रहा है। तो अभी यार बहुत सारे बंदों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो गाइस पहले क्या होता था, पहले सिर्फ एक ही सर्वर था, इंडियन सर्वर, ठीक है। और जो बांग्लादेश के प्लेयर थे, नेपाल के प्लेयर थे और जो इंडिया के प्लेयर थे, वो सबके सब इंडियन सर्वर में ही खेलते थे, ठीक है। जिससे कि प्लेयर तो बहुत ज़्यादा हो गए थे बट सर्वर एक ही था और सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड भी पड़ता था, जिससे कि हमको यार पिंग प्रॉब्लम वगैरह वगैरह कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, ठीक है। बट गाइज अभी गरीना फ्री फायर ने बांग्लादेश प्लेयर के लिए उनका अलग से सर्वर बना दिया गया है, जिससे कि जो बांग्लादेश के प्लेयर है वो अपने सर्वर में खेल पाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो बांग्लादेश के प्लेयर है वो इंडियन नेपाल के प्लेयर के साथ नहीं खेल सकते और जो इंडिया नेपाल के प्लेयर है वो बांग्लादेश के प्लेयर के साथ नहीं खेल सकते, जो कि यार एक बहुत ही सैड न्यूज़ है। बट गाइज ये जो चीज़ है ये बांग्लादेशी प्लेयर के लिए बहुत ही बढ़िया है। क्यों, कैसे? अगर गाइज आपका अलग से एक सर्वर होगा तो गाइज आपके अलग से इवेंट आएंगे, आपके त्यौहार जो आते हैं उनके हिसाब से आपको इवेंट देखने को मिलेंगे, आपके अलग से ई स्पोर्ट टूर्नामेंट होंगे, जो कि यार एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो गाइज आपका एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि हम एक दूसरे के साथ खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था, अगर आपने यहाँ पर प्री रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो क्या हमारी आईडी बांग्लादेश सर्वर में चली जाएगी? तो मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको प्रूफ दूंगा। तो देखो जब हमारा कोई न्यू एलाइट पास आता है तो उससे 3-4 दिन पहले हमारे सामने प्री रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आता है और उसके बदले में हमको कुछ रिवार्ड भी देखने को मिलता है, ठीक है। अगर गाइज वहाँ पर कोई बंदा प्री रजिस्ट्रेशन कर देता है तो उनको वो रिवार्ड भी मिल जाता है और एलाइट पास भी मिल जाता है, और जो बंदे बाद में एलाइट पास लेते हैं उनको सिर्फ एलाइट पास मिलता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पर भी लिखा हुआ है, प्री रजिस्टर नाउ एंड गेट बांग्लादेश टी शर्ट फॉर फ्री ऑन लॉगिंग इन आफ्टर 8 जून। मतलब कि गाइज अगर आप यहाँ पर प्री रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो आपको बांग्लादेश की टी शर्ट मिलेगी। और यार आप इतने लालची क्यों हो यार, मेरी तरह इतने लालची क्यों हो यार, एक टी शर्ट के बदले में आपने अपना सर्वर चेंज कर दिया। एक बात तो आपने भी सुनी होगी कि भाई लालच बुरी बला है, ग्रीड इज बैड। ये जो कहावत है एकदम सच हो रही है। यहाँ पर आपने यहाँ पर टी शर्ट के लालच में आके अपना सर्वर चेंज कर लिया मेरी तरह लालची बनके। बट गाइज यहाँ पर अगर मैं सच बताऊँ तो मेरे से एकदम गलती हो गई, मैं जानबूझकर यहाँ पर क्लिक नहीं करने वाला था, मैं बस देखने वाला था कि क्लिक करके क्या यहाँ पर ये हमसे फॉर्म वगैरह भरवाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्लिक करते ही यहाँ पर प्री रजिस्ट्रेशन हो गया, तो हो गया तो हो गया। फिर गाइज मैंने जो हमारे मॉडरेटर है सर मैं मैंने उनसे पूछा तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि अपनी ऑडियंस को बोलो कि भाई यहाँ पर रजिस्टर ना करे, ठीक है। गाइज इफ़ यू हैव रजिस्टर्ड और यूर फ्रेंड हैज़ रजिस्टर्ड और यूर सब्सक्राइबर हैव रजिस्टर्ड, डोंट पैनिक एंड मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट, वी विल सी वट कैन बी डन, जस्ट एवरी वन टू स्टॉप रजिस्टरिंग नाउ। मतलब गाइज इनके कहने का मतलब ये है कि आपको किसी को भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, और जिन्होंने कर दिया है तो उनके लिए ये कुछ सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो देख रहे हैं कि भाई क्या हो सकता है। तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा जो इंडिया नेपाल के प्लेयर है ये उनको बांग्लादेश सर्वर में भेज देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर ऐसा हुआ भी तो गाइज ये कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकालेंगे और जो इंडिया नेपाल के प्लेयर है उनको इंडियन सर्वर में ही भेज देंगे। जैसे गाइज पहले हुआ था, पहले सिर्फ एक ही सर्वर होता था पूरे वर्ल्ड का, तो वहां पर जब अलग अलग सर्वर बनाए गए तो कोई बंदा किसी सर्वर में चला गया, कोई बंदा किसी सर्वर में चला गया, तो उनको अपने सर्वर में लाने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम आया जिससे कि वो अपने कंट्री के सर्वर में चला जाए। तो इसी तरह से गाइज यहाँ पर भी एक ऑप्शन आएगा और आप अपनी कंट्री के सर्वर में चले जाओगे अगर बाय चांस आपको बांग्लादेश सर्वर में ट्रांसफर किया जाता है तो, ठीक है। तो गाइज लास्ट में यही बोलूंगा कि कोई भी बंदा टी शर्ट के चक्कर में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मत करना, और जिस बंदे ने टी शर्ट के लालच में आकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था तो वो बंदा कॉमेंट सेक्शन में हैशटैग टी शर्ट चलाना मत भूलना, ठीक है। और अगर गाइज आपके सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो गए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने हर एक फ्रेंड तक शेयर कर देना, ताकि गाइज उनको भी पता चले कि भाई वो ये गलती ना करे, ठीक है। और हाँ गाइज अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।